बल्लभगढ़ के थाना आदर्श नगर क्षेत्र में एक मकान में रह रहे किरायेदार और मकान मालिक के लाखों रुपए की नकदी और सोने के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। आदर्श नगर इलाके में बीती रात चोरों ने एक मकान में ताला तोड़कर मकान मालिक और किरायेदार के यहां से 10 लाख से ज्यादा की नकदी और सोने के जेवरात चोरी कर लिए हैं। पीड़ितों की माने तो उन्हें सुबह पता चला जब सोकर उठे तो उनके घर से चोरों ने 10 लाख की नकदी और सोने के जेवरात चोरी कर लिए हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। वहीं आदर्श नगर थाना SHO कुलदीप सिंह की माने तो उन्हें सूचना मिली है और उन्होंने मौके पर टीम भेजी है। जांच के बाद मामला दर्ज कर जल्द ही चोरों की तलाश शुरू की जाएगी और आरोपियों को पकड़ा जाएगा। ऐसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज गुप्ता है जी। पंकज क्या हुआ? साहब मैं सुबह अपने घर पे आया था 6 बजे 6:30 बजे करीब, और डेली की रूटीन मेरी यही है। अभी हम कुछ दिनों से जो है अपने ससुराल में रुके हुए हैं, तो मैं डेली आता हूँ सुबह 6 बजे 6:30 बजे करीब, नहा धो के पूजा पाठ करके अपने ऑफिस निकल जाता हूँ। फिर आज जैसे मैं सुबह यहाँ पे आया तो मैंने सारा घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ देखा, अलमारी खोली हुई देखी, सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेरे बेड के जो मेरा बॉक्स वाला बेड है तो उसमें से सारा सामान बाहर निकल रखा है। और फिर अलमारी में चेक किया, तिजोरी में से मेरा गोल्ड का वाइफ का गोल्ड का सेट था वो गायब है। चांदी के करीब 200 ग्राम करीब चांदी सिक्के के लगा के सारे वो गायब है। मेरा पर्स गायब है, पर्स में मेरा लाइसेंस RC आधार कार्ड पैन कार्ड और क्या नाम है मेट्रो कार्ड थे वो गायब है। और 15,000 रुपये करीब नगद था, गोल्ड का सेट करीब मेरा 30 ग्राम का सेट था चांदी गोल्ड का, और चांदी के 200 ग्राम करीब चांदी थी मेरी। तो लगभग कितने का अनुभव लगा सकते हैं? 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान जो चोरी हुई है आपके, 1.25 लाख रुपए करीब का तो सेट ही सेट है। 15,000 रुपए नगद हो गया। कौन सी जगह है ये? आदर्श नगर है, नवजोत स्कूल वाली गली। अच्छा, तो पुलिस FIR कर दिया आपने? हाँ, पुलिस ने FIR कर दिया, वो लिख के ले गए हैं पुलिस वाले, और अभी मेरे को 10 बजे करीब थाने बुलाया है उन्होंने। तो अब आप क्या चाहते हैं वैसे? हमारा सामान मिल जाए जी, हमारे को और क्या चाहिए, चोर पकड़ने आ जाए वो। किसी पे शक नहीं, अभी किसी पे किस शक क्या करेंगे जी। तो जी आपका? मेरा नाम रामेश्वर। रामेश्वर क्या हुआ है? आज सुबह सुबह हम सो रहे थे तो ये भाभी और भैया आ गए ऊपर, उन्होंने बोल दिया कि चोरी हो गई है। हम तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पे शिफ्ट हुए हैं, शादी का घर है तो हमारा आधा सामान नीचे आधा ऊपर है। तो वैसे तो आधा गोल्ड तकरीबन सारा सा गोल्ड हमारे ऊपर था, मगर बाय मिस्टेक वो एक बैग कपड़ों का समझ गए नीचे रख गए, उसमें 1 लाख रुपए और 1 सोने की अंगूठी और 1 तगड़ी थी। आपके चोरी हुए थे ऊपर? हाँ जी, तो वो चोरी हो गए। अच्छा, तो आप सो रहे थे जब? हाँ जी, जब सो रहे थे। कोई नहीं, आवाज कोई कैसे कुछ नहीं, 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 नहीं। आपको सुबह पता चला जब ये भाई साहब बताया? उन्होंने बताया जाके। अच्छा, पुलिस में FIR लिखवा दिया आपने? हाँ, क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम रुचि गुप्ता है। रुचि क्या हुआ आज आपके यहाँ और कौन सी जगह? मम्मी के यहाँ पर सो रही थी कई दिनों से, क्योंकि मेरे भतीजी हुई तो वहाँ पे थोड़ा सा हमारा काम था। अब सुबह ये यहाँ आ जाते थे तो आज सुबह जैसे ये आए 6:15 बजे के करीब ये यहाँ आए हैं, तो उन्होंने मेरे को फोन करा कि तुमने रात को ताले नहीं लगाए, ताले लगा के नहीं गई? मैंने कहा मैं ताले लगा के गई थी। बोले यहाँ पे ताले के सारे गेट खुले पड़े हैं और सामान बिखरा पड़ा है। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ 6:30 बजे तक मैं आई हूँ, देखा है तो ये सारा ताले लगे हुए हैं, तालों के साथ में काटा हुआ है कुंडियों को। और सामान मेरा गोल्ड का सेट था मेरे, और अभी दिवाली पे पूजा करी थी तो चांदी के सिक्के मैंने निकाले हुए थे अलमारी में, और मेरे 15,000 रुपए वो सब वो लेके गए। बच्चों के पेंसिल इरेजर तक रखे हुए थे, वो भी वहां पर नहीं है। अच्छा, हाँ, गोल्ड वो लेके गए हैं, गोल्ड और कैश, बाकी सामान मेरा वैसे के वैसे ही। अच्छा, हाँ जी। तो पुलिस में FIR कर दिया आपने? पुलिस में FIR करी है, पुलिस वाले पहले कॉल की थी तो उन्होंने वहां पे बुलाया था, फिर वहां पे गए हैं कंप्लेन लिखवा के, फिर वो साथ में पुलिस वाले आए हैं, वो सारी तहकीकात यहाँ से करके अब गए हैं, फिर उन्होंने अब दोबारा बुलाया है। सर आदर्श नगर चोरी का मामला आया है, क्या पूरा मामला है बताइए? अभी सूचना मिली है, अनुसंधानकर्ता मौके पर गया हुआ है और जो भी शिकायत मिलेगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो कितने की चोरी अभी कुछ पता? अभी इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं गया लगा है। कह रहे थे वो 2 लाख रुपये चोरी हुई है, अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शिकायत जैसे ही मिलते है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस,
कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियाँ, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियाँ अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।